गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आपका पाठशाला पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा जो पाठ है वो हमें शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द हमारे कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला हमारा शब्द, शब्दों के लिए क्या है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। वर्णों के जो सार्थक मेल से क्या है वो शब्द बनते हैं। हमारे वर्ण जो अक्षर होते हैं उनका जो एक व्यवस्थित क्रम होता है उससे क्या है जो शब्द बनते हैं। अगर आपके शब्द इधर उधर लिखे हुए हैं या अलग वगैरह होंगे तो उनसे क्या है हम सही शब्द नहीं बना पाएंगे। तो और जो सार्थक क्रम होता है, जिनका सार्थक मतलब क्या होता है, लिखते हैं कि सही अर्थ निकले, बिना अर्थ वाले निरर्थक जो होंगे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारे सार्थक रूप में नहीं आएगा, मतलब सही क्रम में नहीं आएगा, शब्द में भी नहीं बनेगा। तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या है शब्द बनते हैं। जैसे हमारा है राहुल, राहुल के लिए रा धन आ धन आ धन उ धन ला धन आ, ये हमारा एक सार्थक रूप बना है, सार्थक मेल से क्या है शब्द बना है राहुल। दूसरा हमारा है किताब, ई का धन ई धनता धन आ धन बा धन आ हो गया किताब। तो जैसे कि बच्चों हमने देखा कि इनका एक सार्थक जो है मेल है, अगर हम इसी को राहुल का उल्टा कर देते हैं तो क्या वो राहुल सही पढ़ने में, तो हमने राहुल पढ़ लिया तो क्या हम उसको सार्थक, और पढ़ने में भी अगर हम राहुल का जो उल्टा करेंगे उसको पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा, उल्टा लगेगा हमको, और उसका क्या एक व्यवस्थित क्रम भी नहीं निकलेगा और उसका एक अर्थ भी नहीं निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप मैंने बोला था राहुल, अब राहुल के लिए मैंने क्या कर दिया ला रा, अब इसका क्या आपको एक अर्थ समझ में आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। और राहुल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी का नाम है तो ये बन गया है। और वैसे ही हमारा किताब है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वाक्य। अब हमने शब्दों को तो बना लिया, वाक्यों के लिए क्या करेंगे, जो हमारा शब्दों का सही क्रम होता है, शब्दों का जो सही क्रम होगा और उनको व्यवस्थित रूप में जब हम लिखते या पढ़ते हैं तो उससे क्या है वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया गया है, टीना साइकिल नदी चला है और दूसरा है अमन पढ़ पुस्तक रहा है। तो क्या ये आपको सही पढ़ने में ठीक लग रहा है, उनका सही मेल है आपस में कि टीना साइकिल नदी चला, अब ये पढ़ने में भी हमको जो है सही नहीं लग रहा है तो ये व्यवस्थित क्रम में भी नहीं है। तो इसका जो व्यवस्थित रूप है ये आएगा टीना साइकिल चला रही है, मतलब कि क्या है टीना साइकिल चला रही, एक जो सही क्रम में एक एक शब्द आए। तो ये क्या है शब्दों का जो सही क्रम होता है और सही मेल जो होता है वो हमारा क्या है वाक्य कहलाता है। दूसरा हमारा अमन पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब कि अमन पुस्तक पढ़ रहा है कि अगर इसमें हम पुस्तक भी नहीं लगाते उसको हटा देते हैं तो ये भी पढ़ते तो भी ठीक रहता, अमन पढ़ रहा है। ये भी एक जो है सही शब्दों का सही क्रम है व्यवस्थित रूप में, जिससे क्या है ये पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, अगर इसमें पुस्तक लगा हुआ है तो मतलब कि अमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये अमन पढ़ रहा पुस्तक ये गलत होगा और ये सही इसका जो रूप बनेगा अमन पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चों आज हमने शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ा है। इसी तरह के आपकी पुस्तक में जो और भी दिए गए हैं शब्द आप उनका हमें अभ्यास करेंगे अच्छे से और जानेंगे कि शब्दों और वाक्यों को